प्रोजेक्ट इसके ऊपर हम टाइप करते थे कॉन्फिगर स्पेस कर, मैं टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें एक टैब बटन होता है, अगर माधा लिखने के बाद टैब यूज़ करेंगे तो तुम कमांड लगेगा, तो आपको अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आता रहेगा। ये ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड पे आता है, ठीक है, टैरिस मोड है ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड। अब जितनी भी कॉन्फिगरेशन की जाएगी कहाँ की जाएगी, ग्लोबल के ऊपर, तो पहला अपना टास्क देखना अपना था कि हाउ टू चेंज होस्ट नेम, होस्ट का नाम कैसे चेंज करना। इस ग्लोबल मोड पर आने के बाद हमने कमांड लिखा होस्ट नेम और लेट्स हमने लिख दिया NCP, उसका नाम क्या हो जाएगा, हमने कमांड डाला ऑलरेडी आपके पास रिटर्न है, ये कमांड हुआ और एंटर करने के बाद देखते हैं इसका नाम चेंज हो गया NCP हो चुका है, राइट। दूसरा था कि पासवर्ड सेट करना हो, इनेबल पासवर्ड, तुमने लिखा इनेबल पासवर्ड और पासवर्ड लिखने के बाद हमने डाल दिया आपका ये पासवर्ड था ना जो आपके डॉक्यूमेंट में लिख पाएंगे, एंटर करते हैं। अब इसको टेस्ट करना है क्या ये काम कर भी रहा है एजेंसी का नहीं कर रहा है, टेस्ट करने में बताया था हमें ऐसे एग्जिट करना, एग्जिट कर दिया। एक चीज़ हमें हाथ के हाथ देखते हुए चलिए और इन चीज़ों को याद भी रखिए कि यहाँ पर मैंने जब एग्जिट किया इसको तो यहाँ पर आ गया, कर्सर थोड़ी देर पहले यहीं पर था बट एक मैसेज आया कि आप अपने राउटर का कंसोल कंसोल मोड से ही कॉन्फिगर करते, तो कर्सर यहाँ पर आ गया, वहाँ से हट गया। इसमें कल बताया था कि अगर मैं कुछ कमांड टाइप कर रहा हूँ तो मैसेज आएगा सिंक्रोनाइज़, मेरा वो जो हुआ वर्चुअल एपिन के कर्सर जो उसके साथ मूव करना शुरू कर देता और ये बड़ी गलत थी, पता ही अगर मैं कमांड टाइप करूँ तो यहाँ टाइप करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ से मैं एंटर करूँगा तब जाएंगे वहाँ पर वर्चुअली कर्सर यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एग्जिट कर देते तो हम आ जाएंगे कहाँ पर, अपनी कॉपी में देखो वहाँ लिखवाया था मैंने कंसोल जीरो इस जो भी था और नाउ अवेलेबल, यहाँ पे एंटर करेंगे तो NCP लिखा हुआ आया और इनेबल हम करते हैं और एंटर मारते हैं तो अब ये पास करें।